या देखिए, वन वर्ड का मतलब होता है कि आप एक लाइन लिखिए, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो देखिए, ए पर्सन हु कैन राइट विद हिज बोथ हैंड्स, एक आदमी जो दोनों हाथों से लिख सकता हो या दोनों हाथों को यूज कर सकता हो, जैसे मदारी है, वो दोनों से खेल लेता है बॉल से, उस पर्सन को क्या कहेंगे? उस पर्सन को एम्बिडेक्स्ट्रस कहेंगे। उस पर्सन को एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकता है। उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन दोनों हाथों से लिख सकता है, वो एम्बिडेक्स्ट्रस है। हम एक हाथ से लिख पाते हैं, या तो लेफ्ट हैंड ही है, राइट हैंड ही है। कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिनको दोनों हाथों से बराबर लिखा जा सकता है, दोनों हाथों से वो लिख सकते हैं सेम वे में, सेम तरीके से, वो पर्सन एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाते हैं। यानी एक आदमी जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, या दोनों हाथों को, जैसे कोई गेम वगैरह खेल रहा है तो बॉल वगैरह खेलेगा, वो भी एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाएगा। ए पर्सन हु हैज पेक्यूलियर नेचर, एक इंसान जिसका विचित्र स्वभाव हो, अजीब सा स्वभाव, जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं सड़की है क्या, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं इंसान तो सड़की है, अभी तो ढंग से बात कर रहा था, गुस्सा हो गया, एग्रेसिव हो गया, अभी हंसने लग गया, अभी रोने लग गया। तो एक ऐसा पर्सन जिसका थोड़ा सा पेक्यूलियर नेचर हो, वो इसेंट्रिक कहलाता है। इस पूरे नॉलेज को फॉलो कर देना, एपीओ का प्री का पेपर अपने से बाहर नहीं जाएगा। इतनी धुआंधार प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि बेस अलग है। अपन एग्जाम के तक इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे कि ये 15 क्वेश्चन हमारे पास है, और ये 15 क्वेश्चन आपने ले लिए, ये गेम बहुत आसान है, ये मेरे हाथ में है, पूरा कंप्लीटली मेरे हाथ में है। लेकिन यहाँ पर वो इतना गहरा सागर है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से उठा दे। वो मेरे लिए तो इजी है, लेकिन आप लोगों के लिए तो पूरी नॉलेज से गुजारना पड़ेगा आपको, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। एक पर्सन जिसका बहुत विचित्र स्वभाव हो, वो इसेंट्रिक कहलाता है। याद रखने के लिए 3 इडियट फिल्म को याद कर लीजिए, जो करीना का फादर होता है, उसका बड़ा इसेंट्रिक नेचर होता है, होता है कि नहीं होता, उसका बेटा भी मर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो वैसे ही रहता है लास्ट तक। लास्ट में जाकर वो इमोशनल होता है, जब उसे जिंदगी समझ में आती है, नहीं तो उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक ऐसा पर्सन जिसका बहुत अजीब सा नेचर हो, वो पैक्यूलियर नेचर कहलाता है, वो है इसेंट्रिक। फियर ऑफ 13 नंबर, 13 नंबर का डर लगना फॉरेनर्स को होता है, उनकी होटल में 13 नंबर नहीं होता, वो 13 नंबर से बहुत फोबिया होते हैं। कई तरह के फोबिया पढ़ेंगे अपन। फोबिया, फोबिया का मतलब डर, सबको होता है कोई ना कोई, और नेचुरल होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई, किसी को छिपकली से डर लगता है, सांप से नहीं लगता। मैंने ऐसे भी लोग देखे, छिपकली देखते उपचुक हो जाते हैं, सांप को पकड़ के मार देते हैं, तो बोले यार तू सांप को मार देता है, छिपकली से डर लगता है, छिपकली तो छोटा जीव है, वो नेचुरल डर है। बिल्ली का डर, कुत्ते का डर, कई डर पड़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। फॉरेनर्स की होटल्स में 14 और 14A रूम होता है, वो उसको अशुभ मानते हैं या उनका डर होता है। तो फियर ऑफ 13 नंबर कहलाएगा ट्रिस्केडेकाफोबिया। आराम से पढ़ लेना, ट्रिस्के फिर डे का फिर फोबिया, फोबिया हर जगह आएगा। फोबिया का मतलब डर। कई मेनिया पड़ेंगे, मेनिया का मतलब होता है धुन, पागलपन, फोबिया का मतलब डर। तो 13 नंबर का जो डर होता है वो ट्रिस्केडेकाफोबिया कहलाता है, जो जनरली फॉरेनर्स को होता है। फॉरेनर्स 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, वो कहलाता है ट्रिस्केडेकाफोबिया। फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया कहलाता है, कि साहब मैं स्टीमर में नहीं जाऊंगा, जहाज में नहीं जाऊंगा, मुझे डूबने का डर लगता है। जनरली राजस्थानी लोगों को लगता है, क्योंकि अपन ने ना कोई झील देखी, ना कोई नदी देखी बढ़िया वाली। अब बंबई वालों को नहीं लगता, क्योंकि वो तो पैदा होते ही समुद्र के पास जाते हैं। मछुआरों को नहीं लगता, या जिनके अपन नदी नाले खूब है, वो तो पैदा ही वही होते हैं, तो उनको कहाँ से डर लगेगा? वो पानी का डर, वो पानी से डरना हाइड्रोफोबिया कहलाएगा। पानी को देखकर एक हलचल होना, डर लगना, भय लगना, बीपी बढ़ जाना, वोमिटिंग होने की इच्छा होना, वो हाइड्रोफोबिया कहलाएगा। उसी तरह फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना, कि साहब जैसे फिल्म थी आपकी अजय देवगन और उसकी काजोल की, वो हवाई जहाज में बैठती है, हवाई जहाज में बैठती रोने लग जाती है, मुझे डर लगता है, वो आंखें बंद कर लेती, पड़ोस में अजय देवगन होता है, उसको फियर ऑफ हाइट लगता है। झूले में बैठना, 10वीं मंजिल से नीचे देखना, 10वीं तो छोड़ो, 4थी मंजिल से नीचे देखते, वाइब्रेशन हो बॉडी में, डर लगे, और फियर ऑफ हाइट कहलाता है, वो हिप्सोफोबिया कहलाता है। फोबिया को कनेक्ट कर देना 13 नंबर का डर, हिप्सोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यहाँ पर मैंने काजोल को बोला था उस फिल्म में, यहाँ पर मैं इसके पति को यूज करता हूँ, इसको बहुत डर लगता है, अजय देवगन को क्लोज स्पेस में बहुत डर लगता है, क्लेस्ट्रोफोबिया, वो लिफ्ट में नहीं जाता चाहे 20 मंजिल पे हो। अजय देवगन ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि मुझे क्लेस्ट्रोफोबिया बहुत ज्यादा है, मुझे बंद स्पेस का डर लगता है, बंद स्पेस से घुटन होती है, क्लेस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगह का डर, ये मेरे को भी है। मैं एरोप्लेन में बिलीव नहीं करता जाने में, खुली जगह हो, जितनी खुली होता अच्छा लगता है,
क्लेस्ट्रोफोबिया, लिफ्ट का डर, एरोप्लेन में घुटन सी होती है उसका डर, क्लोज स्पेस है आपका, छोटी सकड़ी जगह का डर, एक घुटन सी होना, एक महसूस होना, दैट इज क्लेस्ट्रोफोबिया। अमिताभ बच्चन आ गया, 3 इडियट का वो आ गया, प्रोफेसर आ गया यहाँ पर, ये फॉरेनर्स को दे दिया, ये जो कोई नेवी ज्वाइन नहीं करेगा उसको हो गया, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डरना, झूलेगा, काजोल का एग्जाम्पल ले लिया, और फियर ऑफ क्लोज स्पेस आपका क्लेस्ट्रोफोबिया हो गया, बंद जगह का डर लगना आपका क्लेस्ट्रोफोबिया कहलाएगा। इस सारी कहानी को यहीं तैयार कर लो, घर के लिए कुछ नहीं करना है, क्लियर एकदम? कल मैं आते ही पूछूंगा इनको ये सारी कहानी यहीं पर, क्योंकि ये हमारे उस 15 नंबर का कोई एक पार्ट है, इसमें या इसके जैसा कोई को एक एक करते 15 नंबर हो गए, 15 नंबर स्लिप हो गए किसी के, उसका एपीओ प्री क्लियर नहीं होगा। क्यों? लॉ नहीं बदलती है, लॉ वही आती है, चाहे आरजेएस की हो, चाहे एपीओ की, चाहे जेएलओ की हो, चाहे और कोई एग्जाम की हो, ये इसने रूप बदल दिया है, ये जस्ट जा रहा है बिल्कुल उल्टा, बहुत उल्टा इसने पेपर उठाया है, इसने एसएससी लेवल को कवर किया है, एसएससी लेवल कवर का, एसएससी में 200 नंबर की इंग्लिश आती है, तो नेचुरल कितना वाइड सिलेबस होगा, इसने इस 200 नंबर को कन्वर्ट कर दिया 15 नंबर में, अब सोचो कहाँ 200 कहाँ 15, मेहनत वो की वही होनी है, लेकिन अपनी टेक्निकल मेहनत है, अपन को ज़्यादा जोर आता नहीं है, इसलिए हम एम्बिडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से मैं लिख रहा हूँ, मैं एम्बिडेक्स्ट्रस हूँ, अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मैं गुस्सा हो जाऊँ, मैं सेंट्रिक हो गया, सीधी सी बात है, 30 नंबर का डर, ट्रिस के डेकाफोबिया, वाटर का डर, हाइड्रोफोबिया, जहाज में नहीं बैठना हाइड्रोफोबिया, एरोप्लेन में नहीं बैठना हिप्सोफोबिया, समझ में आ गया, पानी के जहाज में नहीं बैठना है अपन को हाइड्रोफोबिया है, वो उसमें नहीं बैठना है हिप्सोफोबिया है, लिफ्ट में नहीं जाना है क्लेस्ट्रोफोबिया है, बस इतना सा जनरल लाइफ में कन्वर्ट कर दो, वो बंद है लिफ्ट, घुटन होती है उसमें बहुत भयंकर, दैट इज क्लेस्ट्रोफोबिया है, एरोप्लेन में नहीं जाना, ये मेरे को तो साहब ऊंचाई से डर लगता है, नीचे देखते पता नहीं घबराहट सी होती है, हिप्सोफोबिया, और दैट इज हाइड्रोफोबिया। हम रास्ता में रहने वालों को ये भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊंचाई की बिल्डिंग ही नहीं होती है, वो तो बम्बई वाला तो पैदा ही 20 मंजिल पर होता है, अब जो पैदा 20 मंजिल पर हुआ है उसको 20 मंजिल तक तो कम से कम डर नहीं लगेगा, 40 मंजिल की बात मैं नहीं कर रहा, तो हिप्सोफोबिया 40-40 मंजिल है, अब वो जो पैदा या बाय बच्चन उन्होंने देखा तो काहे का डर, वो हिप्सोफोबिया कहलाता है, और पानी का डर हाइड्रोफोबिया कहलाएगा, मछुआरे को नहीं होगा, शिप में मैरिन वालों को नहीं होगा कि दिन भर पानी पानी है, तो अपन लोगों को हो सकता है उनको नहीं हो। क्लियर पार्ट फर्स्ट इज क्लियर, आगे चलिए। ये था आपका 1-1 सेक्शन, इसमें एक और सेक्शन डाला है, इसमें बहुत छोटे 15 नंबर में पता नहीं क्या करवाना चाहता है, पूरे इंग्लिश घुमाएगा, दूसरा वर्ड आ रहा है आपका, ज्यादा नहीं ले रहे, कुछ एक आधे ले रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड, ये भी इसका पार्ट है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मैं आपको कह रहा हूँ इस चीज़ पे मेहनत कर जाओ, बहुत बढ़िया चांस आ रहा है, क्योंकि इस पर मेहनत होना किसी के बात नहीं है, मुझे तो एसएससी का भी खतरनाक एक्सपीरियंस है और ये भी खतरनाक एक्सपीरियंस है, अपने लोग सब बराबर है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया एंश्योर, पहला वर्ड है एंश्योर, ये पहला वर्ड, और इसका दूसरा जिलता वर्ड है इंश्योर, एग्जाम काफ़ी क्वेश्चन बना चुका है, एंश्योर और इंश्योर, ऐसा ही मैंने लिख दिया आपका एडवाइस, और इसी का कंफ्यूजिंग वर्ड कर दिया एडवाइस, आपको आए आप दिमाग में आंसर देने की कोशिश करना नहीं, यहाँ पर आ ही रहा है एंश्योर और इंश्योर, कंफ्यूजिंग वर्ड है हमारा एडवाइस और एडवाइस कंफ्यूजिंग वर्ड है, कि एंश्योर और इंश्योर में क्या फर्क है, एडवाइस और एडवाइस में क्या फर्क है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये आने की मुझे अच्छी संभावना लगती है, और नहीं भी आए तो आपको इसको समझना जरूरी है, इमिग्रेंट, और ये है इमिग्रेंट, ज़्यादा नहीं ले रहा मैं, धीरे धीरे लेंगे, क्योंकि एकदम से क्या है लोड बहुत ज़्यादा आता है, पढ़ना भी बहुत है, टाइम भी लिमिटेड है, क्योंकि इसमें हमको प्रैक्टिस बहुत करनी है, इसलिए एक बार सिलेबस को घुमा के विद प्रैक्टिस भी करूँगा मैं, एंश्योर हो गया, इंश्योर हो गया, एडवाइस हो गया, एडवाइस हो गया, इमिग्रेंट हो गया, इमिग्रेंट हो गया, एंश्योर और इंश्योर, काफी एग्जाम ने इसको अपना मेहमान बनाया है, एंश्योर और इंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है, दोनों वर्ब हैं, ये बात बता देता हूं, निश्चित करना, निश्चित करना एंश्योर कहलाता है, जैसे आई विल एंश्योर योर सक्सेस, और इंश्योर होता है बीमा वगैरह करवाना, ये तभी तो इंश्योरेंस इसी से बना है, बीमा वगैरह करवाना,
इंश्योर कहलाता है। अच्छे से डिफेंस कर लेना, ये पेपर में जा रहे हैं, इस पेपर को लेके चले गए, 15 out of 15 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे और वहां पर अगर जीत लिया आगे का गेम बहुत इजी है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर जो सिलेक्शन करवाएगा वो इंग्लिश का पेपर, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई किसी से होगा नहीं। दूसरा वर्ड आया एडवाइस, और एडवाइस बोले सर क्या अच्छे से करना, सी और एस का फर्क है ध्यान से देख लेना, ये हमारी नाउन है, नाउन का मतलब ही हलचल नहीं कर सकती है, ये हमारी वर्ब है, वो दोनों ही वर्ब थी, नाउन का मतलब होती है सिर्फ राय और इसका मतलब होता है राय देना, ये चलती है, ये मूव कर सकती है, वो मूव नहीं कर सकती, उसको मूव करवाने के लिए इससे पहले हमें कुछ ना कुछ वर्ब लगानी पड़ेगी। ये ट्रैक्टर है, ये चल सकता है, वो ट्रॉली है, उसको चलाने के लिए ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, वो खुद नहीं मूव कर सकती। तीसरा वर्ड है इमिग्रेंट और आपका इमिग्रेंट, क्या कोई इसका अंतर बता सकता है, कोई क्या कोई इसका अंतर बता सकता है, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट अच्छे अच्छे इसमें घूम जाते हैं, इसको याद करने के लिए यहाँ पर इमिग्रेंट में डाल दो, इमिग्रेंट में डाल दो सोनिया गांधी, ये इमिग्रेंट है, सोनिया गांधी यहाँ पर डाल दो सानिया मिर्जा। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, इमिग्रेंट बाहर जाकर बस जाए दूसरे देश, ई से यूरोप याद रख लेना, और आई का मतलब इंडिया, जो इंडिया आके बस जाए, समझ में आ गई बात, जो बाहर जाके रहने लग जाए, बाहर बस जाए, विदेश में, बाहर का मतलब है विदेश में बसना रहना, और जो अपने देश में आके रहने लग जाए, इमिग्रेंट इंडिया ही नहीं है, कोई अपने देश के लिए भी बोल सकता है, इमिग्रेंट का मतलब है जो भारत आकर, जो अपने देश में आकर बसे, भारतीय नहीं है, भारतीय कोई एक्सटर्नल नहीं है, अपने देश में बसना। एग्जाम की तरफ जा रहे, मैंने 3 ही वर्ड लिए हैं, थोड़े थोड़े लेंगे, एक साथ नहीं लेंगे, एक साथ बहुत लोड आ जाता है और हमें एग्जाम को क्रैक करना है, फॉर्मेटिव में मैं बिलीव नहीं करता। एंश्योर और इंश्योर निश्चित करवाना, एंश्योर बीमा करवाना, एडवाइस राय देना, और एडवाइस राय देना और एडवाइस सी वाला केवल राय। अब इसको आप कैसे बोले सर इसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको यूज करने बोले सर इसको यूज करना है, बिल्कुल है सर, आपने कहा सर प्लीज गिव मी, एक और इसमें कहानी है सर मुझे एक एडवाइस दो आप, एक और कहानी मैं यहाँ पे घुमा देता हूँ, वैसे आगे भी घुमाऊंगा इस कहानी को, सर मुझे एक एडवाइस दो, मैंने आपको लिख दिया सर प्लीज गिव मी एन एडवाइस, ठीक है ना, सर मुझे एक एडवाइस दो, सर प्लीज गिव मी एन एडवाइस। यहाँ पर ये बोला कि साहब एडवाइस को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, बोले साहब ये वर्ब ही नहीं है, ये वर्ब लगा दी, इसको नाउन बना दिया, ठीक है। अभी भी सेंटेंस कहता है भैया बहुत बड़ी एरर है, ग्रामर की क्या एरर है, सर मुझे एक एडवाइस दो, इस वर्ड को याद रख लेना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको, एडवाइस से पहले डायरेक्ट ए और एन नहीं आएगा, ए का तो सवाल ही नहीं है, इसको तो बोले सर क्या लिखे हैं, इसको तो हटाओ, सर प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, ये आपका सही ग्रामेटिकल सेंटेंस है। एन एडवाइस नहीं आएगा, ब्रेड से पहले, स्टोन से पहले, ब्रिक से पहले आपका ए और एन, और बहुत सारी चाहिए तो मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, दो चाहिए टू पीसेज ऑफ एडवाइस, इसको नहीं छेड़ोगे, इसको नहीं छेड़ोगे, इसको एक रेक्टेंगल में रूल बना के लिख लो, आगे भी डिस्कस करेंगे। एडवाइस से पहले, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना, एडवाइस से पहले कभी एन नहीं आएगा और बाद में कभी एस नहीं आएगा, और ऐसा रेक्टेंगल पर कर करके बाहर ये लिख दो, ये नाउन है। 3 पॉइंट आ गए ग्रामर के, समझ में आ गई बात, 3 पॉइंट आ गए, एडवाइस एक नाउन है, इसके बाद कभी एस नहीं लगाओगे, एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, आपके भी आएगा क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इनडायरेक्टली डायरेक्ट ए और एन नहीं आएगा, तो एडवाइस आपको अपने पेपर में नजर आए, एडवाइस आपको अपने पेपर में नजर आए तो वहां 3 ग्रामर अप्लाई करोगे, पहले एन नहीं आएगा, बाद में एस नहीं आएगा, और ये सी वाला क्या काम करता है, नाउन का, बोले सर इसको यूज करके बता दो,
सर प्लीज एडवाइस मी, ये ठान सीधा वर्ब बना लो, प्लीज एडवाइस मी, कहानी खत्म, सीधा वर्ब है। बताओ ये कहानी में कोई दिक्कत है? पेपर तैयार हो रहा, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ, आज आपका अधिकार, आप कुछ भी क्वेश्चन करो, कितने भी क्वेश्चन करो, आपका पूरा राइट है। ये कंप्लीट होने के बाद और मैं वीकली भी टेस्ट लूँगा आपका, कब तय करता हूँ, वीकली आपका ये टेस्ट लूँगा एज ए APO पेपर पैटर्न पर, और साथ में रिटर्न भी, जो हमारा RJS या उसका मेंस के लिए भी थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रहे। क्लियर यहाँ तक सबको? क्लियर? जो बाहर जाके बसेगा, सानिया मिर्जा पाकिस्तान गई, वो एमिग्रेंट है। सोनिया गांधी जो इटालियन थी, वो यहाँ के बसी, वो इमिग्रेंट है। आई और इसे याद रखना है, कन्फ्यूज हो जाता है वहाँ पर, सर ने क्या बताया था, इसको प्योर हिंदी में शायद प्रवासी और अप्रवासी बोलते हैं, ये अप्रवासी कहलाता है, ये प्रवासी कहलाता है। क्लियर यहाँ तक?